Using PMI, prove that 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus and so on, 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n upon 2n plus 1. यह हमें prove करना है। Solution, इसमें हम let करते हैं, let p n is equal to, यहाँ हम कह सकते हैं p n is 1 अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस एंड सो ऑन वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन प्लस वन पी एन जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी दिस इज इक्वल टू दिस स्टेप फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या कहता है उसमें हमें शो करना पड़ता है कि पी वन जो है वो ट्रू है उसमें हम लेट करते हैं लेट एन इज इक्वल टू वन देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी एन ये है इसमें एन की वैल्यू को वन पुट करना है यहाँ पर वन पुट करोगे तो ये बनेगा वन अपॉन टू माइनस वन दैट इज वन टू इंटू वन दैट इज टू प्लस वन थ्री वन अपॉन वन इंटू थ्री मीन्स ये पहली टर्म है ठीक है सो so ये जो टर्म आएगी आपकी वन अपोन वन इंटू थ्री दैट इज वन अपोन थ्री अब फाइंड आउट करिए आर एच एस आर एच एस क्या है कि आपके पास ये जो टर्म है इसमें एन की वैल्यू को वन से रिप्लेस करिए हो तो जाएगा वन अपॉन टू इन टू वन प्लस वन दैट इज वन अपॉन टू प्लस वन विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री

इसका मीनिंग ये रहा कि एन so की जगह पे रख दें अगर की वैल्यू को के पुट करते हैं तो हमने अज्यूम किया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब अगर एन को यहां पर से रिप्लेस कर दें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया स्टेप थ्री वी विल शो दैट स्टेटमेंट और वी कैन से पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ये हम शो करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करने पर भी क्या रहे ट्रू और उसमें हम इसका यूज करते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड ले ये हो जाएगा वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव एंड सो ऑन। अब की बार एन को रिप्लेस करना है हमने के प्लस वन से सो so, ये बनेगा वन अपोन टू इंटू के प्लस वन माइनस वन इंटू टू इंटू के प्लस वन और यहाँ पर है प्लस वन विच इज इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव एंड सो ऑन अप टू लास्ट में यहाँ पर वन अपॉन टू के प्लस टू माइनस वन ये हो जाएगा टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस टू प्लस वन दैट विल बी टू के प्लस थ्री विच इज इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस एंड सो ऑन यहाँ पर इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म आएगी वो ये आएगी क्योंकि हमने इस इक्वेशन का यूज़ करना है सो so, ये जो टर्म है वो इससे जस्ट पहले वाली टर्म है दैट इज वन अपॉन टू के माइनस वन इंटू टू के प्लस वन प्लस वन अपोन टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस विच इज़ इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो फ्रॉम फर्स्ट उसकी वैल्यू है के अपॉन टू के प्लस वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव दिस सम इज इक्वल टू के अपॉन टू के प्लस वन प्लस वन अपॉन टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री एल्शियम लीजिए इन दोनों का जो एल्शियम है वो ये टर्म आ जाएगी टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री ऊपर जो है यहाँ पर देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है ऊपर आएगी टू के स्क्वेयर टू के स्क्वेयर प्लस थ्री के और यहाँ पर प्लस वन सो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है टू के स्क्वेयर प्लस थ्री के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस वन टू के प्लस थ्री ठीक है अब देखिए हमें जो इसकी राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक बार राइट हैंड साइड दैट विल बी इक्वल टू वो क्या रहेगी इसमें एन की वैल्यू को के प्लस वन पुट करिए ऊपर हो जाएगा के प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा टू इन टू एन की वैल्यू को के प्लस वन पुट किया और प्लस वन विच इज इक्वल टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस टू प्लस वन दैट इज टू के प्लस थ्री यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें नीचे दो टर्म्स हैं सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि ऊपर जो है ऐसा ही फैक्टर आएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा सो so ऊपर जो है इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं वो आप कर सकते हैं इसी को अगर कंटिन्यू करें ठीक है इसी को अगर कंटिन्यू करें तो so ये ऊपर बन जाएगा के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री और इससे ये जो टर्म कैंसिल होके ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे क्लियर है चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप सेपरेट कर सकते हो ये करके दिखा भी देते हैं चलिए लेफ्ट हैंड साइड को एक्सटेंड करते हैं एक बार ये हो जाएगा हमें जो है मल्टीप्लिकेशन चाहिए टू और एडिशन चाहिए थ्री सो टू के स्क्वेयर प्लस टू के प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस वन टू के प्लस थ्री विच इज इक्वल टू इन दोनों में से टू के कॉमन आएगा यहाँ पर रह जाएगा के और यहाँ पर प्लस वन प्लस यहाँ पर है के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री सेम जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें के प्लस वन ये कॉमन आया यहाँ रह गया टू के और यहाँ पर प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा यही टर्म्स आ गई देर फोर पी एन इज ट्रू फोर n is equal to k plus 1. Therefore, Pn is true for all natural numbers. Hence proved.